कि वो अच्छा नहीं करते तो किसी का बुरा नहीं करते, और बुरा करने का तो सवाल ही नहीं होता। उनको तोड़ने के लिए पुलिस के द्वारा जबरदस्ती, जबरन प्रकरण लगवाना, ये सब चीजें जो शांति को दूषित कर रही है इस क्षेत्र। आपके क्षेत्र में भी हुआ ये? मेरे क्षेत्र में कई बार कई लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगे। किसने लगवाए? कौन सी छिपी बात? आपका इशारा अरविंद पटेरा की तरफ है। जिला छतरपुर में हर कोई जानता है कि देखिए अंत में स्थिति कुछ भी बने, चुनाव हम ही जीतेंगे। मुन्ना राजा के समर्थकों के बीच बड़ी द्वेषपूर्ण घटनाएं घटी हैं। जन आक्रोश रैली के दौरान ही दोनों पक्षों में लाठियां चल गई। सब हमारे कार्यकर्ताओं में बिल्कुल नहीं चली हैं, ये उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उपद्रव किया गया था, लाठी डंडे चले। इन घटनाओं का कांग्रेस विवाद नहीं हुआ है, व्यवधान पैदा करने की कोशिश की है। जनता ये कहती है कि अभी से जब ये इस चीज पे उतारू है तो फिर आगे चल के क्या होगा। नॉमिनेशंस फाइल हो जाएं, उसके बाद में पता चलेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। आप मान रहे हैं कि वो नहीं लड़ेंगे चुनाव, सिर्फ धमका रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। वो साहब, जहाँ तक मेरी बात डॉक्टर साहब घासीराम पटेल जी से होती है, श्रीमान जी चुनाव जिसको लड़ना है लड़े ना, यहाँ तो फैसला जनता करती है। जातिवाद पे चुनाव नहीं होते हैं, हर वर्ग का वोट मुझे मिलता है, तो शासन और प्रशासन की मदद से जो गलत कारनामे वो करवा रहे हैं उसका खामियाजा वो भुगतेंगे। बहुत बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया भाजपा ने, नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर प्रहलाद पटेल तक सब चुनाव लड़ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे कमलनाथ जी की जो योजना है उससे डरी हुई है, और यही डर का कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व के शीर्ष नेतृत्व में से लोगों को उतार करके विधानसभा के चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। तो वो किनको मिल रहा है? जो चिन्हित हैं, भारतीय जनता पार्टी के चिन्हित कार्यकर्ता हैं, उनके घरों में वो लाभ मिल रहा है, आम जनता को वो लाभ नहीं मिल रहा। आपकी सीट पर सीधा दखल रहेगा बीडी शर्मा का, इस बात का थोड़ा भय है? मुझे भय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिस वजह से नहीं हारते हैं अभी फिर से जीतेंगे 100%।